पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। वहीं सागर जिले के राहतगढ़ में भी ब्लॉक कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। लेकिन यहां तो यात्रा में तिरंगा कहीं दिखाई ही नहीं दिया, यहां तो सिर्फ कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लिए दिखाई दिए। यह यात्रा बिड़ी ब्रांच कांग्रेस कार्यालय से शुरू की गई, जो पूरे बाजार का चक्कर लगाती हुई पुलिस चौकी पर आकर समाप्त हुई, जहां पर कांग्रेसियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। रैली में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन नारेबाजी करने में राहतगढ़ कांग्रेस दो गुटों में बंटती नजर आई। इस यात्रा में जब तिरंगा नदारद रहने का सवाल कांग्रेस के प्रदेश सचिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन में अक्सर तिरंगे का अपमान हो जाता है, इसीलिए रैली में तिरंगा नहीं लाया गया। आज कांग्रेस की चुनी हुई सरकार 2020 में आज की तारीख में इस्तीफा देना पड़ा था कमलनाथ जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीदा था, खरीद फरोख करके कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को आज इस्तीफा देना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से लोकतंत्र को जो हानि हुई है उसके याद करते हुए लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस कार्यक्रम को रखा गया। 15 साल का जो कुशासन मध्य प्रदेश में भाजपा का चल रहा था, जनता उससे परेशान होके जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई 2018 में। लेकिन बीजेपी की जो चाल है, जो चरित्र है, वो इतना खराब है कि उसने चुनी हुई सरकार को किस तरीके से गिराया जाए तो विधायकों की खरीद फरोख्त की। और कांग्रेस की जो एक चुनी हुई सरकार थी, जनता ने जिस सरकार को चुना था उस सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र रचा था उसके तहत 20 मार्च 2020 को आदरणीय कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था। तो आज संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली है। उसी के तहत राहतगढ़ में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे कांग्रेस जन और आम जन जो लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं उसको बचा के रखना चाहते हैं वो इसमें शामिल। राहतगढ़ से इमरान कुरैसी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।